को लेकर के एक बार फिर से, क्योंकि चुनाव नजदीक है, सपा बसपा और लोकदल को लेकर के सीटों का बंटवारा ऐसा माना जा रहा है कि एक तरीके से तय हो गया है। लोकदल में 2 से 3 सीटें कही जा रही है मिलने को, तो कौन सी सीटें हो सकती? जब जब सीटें तय हो जाएंगी, गठबंधन की घोषणा हो जाएगी या होने वाली होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सीटें लोकदल को मिलेगी या कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को लड़ेगी या बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी। अभी इस पर नेताओं की बैठक होना बाकी है, तय होना बाकी है, और जब तय होगा तो मैं आपको बताऊंगा। सर, जो सूचना मिली है 2 से 3 सीटें दो हो सकती हैं या 3 हो सकती हैं, इस पर कितनी? नहीं, अब वो कितनी सीटें हो जाएंगी जब ये तय हो जाएगा, अभी तय नहीं हुआ। अभी गठबंधन की घोषणा होनी है, अभी तो लोगों नेताओं की एक, मैं ये जरूर स्वीकारता हूँ कि एक सैद्धांतिक सहमति है। मानसिक रूप से समाजवादी पार्टी, BSP और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में मानसिक सहमति है कि उत्तर प्रदेश में हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ें, और वो सामाजिक मानसिक सहमति सैद्धांतिक सहमति में बदल चुकी है। लेकिन जब अनाउंसमेंट हो जाए, नेताओं के बीच में सीटों पर लेकर के कोई मंत्रणा तय हो जाए, तभी मैं आपको कोई बात बता सकता हूँ। सर, महागठबंधन को लेकर के बातें की जा रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से अभी सूत्र कह रहे हैं कि कांग्रेस को बाहर रखा जाएगा, नहीं, सवाल इस बात का है कि पहले गठबंधन तय तो हो कि कौन कौन लोग गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, तब इस बात पर कहा जाए कि कौन नहीं शामिल हो रहा है। अभी चूंकि गठबंधन की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, औपचारिक रूप से नेताओं की बात आ जाए कि गठबंधन हो चुका है और कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा और किसको शामिल करेंगे किसको नहीं शामिल करेंगे, जब अभी ये बात क्लियर सामने नहीं आई है, तो मैं इस पर कांग्रेस का हाथ साथ में आएगा नहीं, बड़ा गठबंधन बने, सब लोग मिलकर के लड़े, ऐसी तो मंशा है। अब कौन उसमें साथ में आता है, लेकिन गठबंधन बनेगा और जरूर